सोमवार को पद्मा प्रखंड अंतर्गत गोतिया स्कूल स्थित खेल के मैदान में 30 से 40 ट्रैक्टर जमा अवैध बालू को पद्मा अंचलाधिकारी मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने जब्त कर लिया। बताया जाता है कि बालू का यह खेल पिछले कई माह से पद्मा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है और यह पूरे दिन स्थानीय नदियों से बालू खनन कर जमा किया जाता है। उसके पश्चात देर रात को ट्रैक्टरों पर लादकर इकोरी व चौपारण के रास्ते बिहार भेजा जाता है। वही बालू के इस खेल में शामिल तस्करों के बाबत पुष्ट जानकारी प्राप्त करने में प्रशासन जुटी हुई है। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि तस्करों द्वारा अवैध रूप से बालू जमा करने की गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। स्वदेश वाणी के लिए हजारीबाग से पप्पू कुमार की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।